भाजपा महिला आघाड़ी की प्रदेश अध्यक्ष चित्रा वाघ इन दिनों विदर्भ के दौरे पर है और आज वे नागपुर आई थी। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से पत्र परिषद के दरमियान विविध मुद्दों पर संवाद साधते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा मुझे अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके लिए मैं राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इनके धन्यवाद अदा करती हूँ। इस दौरान चित्रा वाघ बोली, प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार विदर्भ से अपनी यात्रा शुरू की। विदर्भ का चरण आज पूरा हो गया है। अब कल से मराठवाड़ा के नांदेड़ से आगे यात्रा शुरू रहेंगी। चूंकि हम सत्ता में हैं तो हमारी जिम्मेदारी 100% है कि जनता की समस्या को जाने और उसे हल कर पाए, इसीलिए विदर्भ से ये यात्रा शुरू की गई। आगे वे बोली, राज्य में 2.5 साल में कई महिला अत्याचार की घटनाएं सामने आई, जिसे देखते हुए हमने कई बार विशेष अधिवेशन की मांग भी की थी, लेकिन ठाकरे सरकार की ओर से किसी भी तरह की सकारात्मक पहल नहीं की गई। आभार भारतीय जनता पार्टी से, आभार देवेंद्र जी से, आभार बावनकुळे जी से कि ज्यांनी माझ्यावरती विश्वास ठेवून भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चाची जबाबदारी दिलेली आहे। 3 तारखेला मी त्या ठिकाणी भार घेतला, भार स्वीकारला, काय आपण पदभार स्वीकारला आणि त्यानंतर विदर्भातून सुरुवात केली माझ्या प्रवासाला। सर्वात सुरुवातीला आपल्या सगळ्यांचं शक्तिस्थळ असलेल्या सिंदखेड राजा इथं माँ जिजाऊला अभिवादन करून या प्रवासाला सुरुवात झाली आणि आज विदर्भातला संपूर्ण टप्पा पूर्ण करून, म्हणजे विदर्भातले 11 जिल्हे पूर्ण करून नागपूरमध्ये आली आणि उद्यापासनं मराठवाड्यामधून सुरुवात करणार। बंधू भगिनींनो, आमचं सरकार शिंदे फडणवीसांचं सरकार आहे आणि सरकारमधली आम्ही कार्यकर्ते आहोत, त्या पक्षाचे कार्यकर्ते आहोत, आम्हाला आमच्या जबाबदारीचं जाणीवांचं पूर्णपणे त्या सगळ्या गोष्टींची जाणीव आम्हाला आहे। आमची जबाबदारी 100 ने 1000 पटीने वाढली असं आम्ही मानून त्या ठिकाणी चालतो। राज्यातले महिला अत्याचार हे तर आजही शिंदे फडणवीस सरकारच्या अजेंड्यावरचा प्रमुख विषय आहे, त्याच पद्धतीने भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चाच्या अजेंड्यावरचाही प्रमुख असा हा विषय आहे। ज्यासाठी आम्ही लढत होतो, आम्ही भांडत होतो, आजही ती लढाई, आजही त्या पद्धतीचा संघर्ष हा विविध पातळ्यांवरती त्या ठिकाणी चालतो। अनेक आम्ही 2.5 वर्षांमध्ये आंदोलनं केली, मोर्चे केले, निदर्शनं केली, सरकारचं लक्ष आमच्या प्रश्नांकडे वेधून घेण्यासाठी केली। बलात्कार झाले, विनयभंग झाले, सामूहिक बलात्कार झाले, महिलांना जिवंत जाळण्यात आलं। कोरोना संपूर्ण जगामध्ये होता, परंतु याच विदर्भामध्ये अतिशय किळसवाणी घटना घडली की एका अमरावतीमध्ये एका महिलेच्या गुप्तांगाचा स्वॅब घेण्यात आला। रोज होणाऱ्या घटना, पॉक्सोच्या वाढणाऱ्या केसेस, मुंबई सारख्या ठिकाणी साकी नाक्याला दिल्लीच्या निर्भया सोबत जे झालं त्या पद्धतीचं निर्गुण प्रकार झाला आणि या सगळ्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर आम्ही सरकारकडे एक विशेष अधिवेशन बोलवा म्हणून मागणी केली। इसके साथ ही चित्रा वाघ बोली, जैसे ही शिंदे फडणवीस सरकार आई तो तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कई मामलों में कार्रवाई की है, जैसे कि नंदुरबार में महिला अत्याचार के मामले में अधिकारियों को निलंबित किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने विविध मुद्दों पर संवाद साधते हुए कहा कि आने वाले चुनाव के दृष्टिकोण से हम 200 से अधिक सीटें जीतने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी तैयारी हमने शुरू की। इसके साथ ही वे बोली, हर बूथ पर अब 25 महिलाएं होगी। साथ ही उन्होंने विविध मुद्दों पर पत्रकारों से संवाद साधा। कैमरा पर्सन अमोल तुमसरे के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।